फ्रेंड्स, डीएनपी स्पोर्ट्स पर ताजा स्पोर्ट्स अपडेट्स लेकर मैं हूँ आपके साथ सुनीता। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। क्रिकेट जगत में जिस एक खबर ने सनसनी मचा दी है वो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ये ऐलान कर दिया है कि वे आगामी T20 विश्व कप 2021 के बाद भारत के T20 कप्तान का पद छोड़ देंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर लिखा कि मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का नेतृत्व करने की खातिर पूरी तरह से तैयार होने के लिए खुद को वक्त देने की जरूरत है। आपको बता दें दोस्तों कि गुरुवार शाम को विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट जारी कर लिखा कि वे आगामी T20 विश्व कप 2021 के बाद भारत के T20 कप्तान का पद छोड़ देंगे। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली की T20 विश्व कप 2021 के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर कहा है कि मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि आजकल क्रिकेटर्स को खुद से फैसले लेते देखना थोड़ा हैरान करता है। मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को इस तरह के निर्णय लेने से पहले चयनकर्ताओं और बोर्ड से बात जरूर करनी चाहिए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने विराट कोहली के T20 विश्व कप 2021 के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले को लेकर कहा है कि ये भविष्य के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि विराट भारतीय क्रिकेट के बहुमूल्य खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने शानदार नेतृत्व किया है। वे सभी प्रारूपों में सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। T20 विश्व कप 2021 के बाद भारत की T20 कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर चुके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के अगर T20 करियर की हम बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 45 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 27 में टीम इंडिया को जीत दिलाई है। उन्होंने 12 बार 50 प्लस स्कोर भी किया है, जो कप्तान के रूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं कोहली दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। भारतीय पेसर शार्दुल ठाकुर ने GM एंडरसन और जसप्रीत बुमराह के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान हुए विवाद को लेकर कहा है कि एंडरसन ने बुमराह को कुछ ऐसा कहा था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ठाकुर ने कहा कि इंग्लिश टीम ने बुमराह को गाली दी थी, उन शब्दों को सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम सभी लोग गुस्से में आ गए थे। दोस्तों, खेलों से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने DNP स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें।